मारफोलोजिक डेवलपमेंट ये स्टूडेंट मुझे इस मॉड्यूल में आपसे मार्फोलोजिक डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करनी है सो लर्निंग टू यूज़ अ मारफोलोजिकल रूल बिगिंस विद द हाइपोथेसिस वो इस मफरूज से शुरू होती है अ स्मॉल सेट ऑफ वर्ड्स आर ट्रीटेड इन अ अर्टन वे ग्रामेटिकली तो स्मॉल सेट ऑफ वर्ड्स को ग्रामर के लिहाज से एक सर्टन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है द फर्स्ट यूज ऑफ़ मार्फोलोजिकल मार मार्कर इज प्रबली द रिजल्ट ऑफ मेमराइजेसन तो एक दहला इस्तेमाल जो मॉरफोलोजिकल मार्कर्स हैं वो शायद रट्टा लगाने की वजह से है ठीक है एक वन वर्ड एट ए टाइम तो यानी uh, जो मेमराइजेशन करके एक वक्त में एक लफ्स को रट्टा लगाकर सीखना इससे इसका आगाज़ हुआ और दिस इज़ फॉलोड बाय मार्फ़ोलॉजिकल ओवरव्यूज अबाउट फोनोलॉजिकल मार्कर्स जैसे डा डा साउंड्स है एंड मीनिंग तो पास टेंस में इनके मीनिंग्स कैसे होंगे ग्रेजुअली uh, जो uh, एक बच्चे में मार्फिक मार्फ़ोलॉजिक डेवलपमेंट होती है अ चाइल्ड फॉर्म्स अ रूल विद इंडिविजुअल वेरिएशन तो इंडिविजुअल वेरिएशन के साथ वो रूल्स बनाता है uh, जैसे कि सिक्स इयर्स चाइल्ड फ्रॉम लो एंड मिडल सोशियोकनॉमिक स्टेटस स्पीकर्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश है पैटर्न्स फॉर मार्किंग पास टेंस डिफर फ्रॉम नॉन अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश स्पीकिंग चिल्ड्रन तो यानी ये है कि ये अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश के बोलने वालों का और अमेरिकन इंग्लिश uh, बोलने वालों के जो कॉन्टैक्स का फ़र्क है उसके यानी इसका मतलब यह है कि कॉन्टैक्स का भी असर होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट पर सो दीज पैटर्न डू नाट कन्फॉर्म टू द फाउंड इन चिल्ड्रन विद लैंग्वेज इम्पेयरमेंट लेकिन जो बच्चे लैंग्वेज इम्पेयरमेंट यानी जिनकी लैंग्वेज की माजूरी है उनका प्रॉब्लम है उनसे ये पैटर्न डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो तो उनको तो लर्निंग uh, डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनमें तो वो माजूर होते हैं इस लिहाज से ये उनमें फ़र्क है और वायल सम इन्फ्लेक्शनल सफिक्स आर रिफाइंड ड्यूरिंग द स्कूल एज ईयर्स जो सफिक्स हैं इन्फ्लेक्शनल सफिक्स एक्चुअली ये होता है कि इसमें uh, जो बेस वर्ड्स हैं उनके आगाज़ में भी और एंड पे भी अल्फाज लगा कर वो बनाए जाते हैं जो यानी के और लाह के दोनों ये लगा कर जैसे अनकम्फर्टेबल वर्ड है ठीक है इसमें कम्फर्ट जो है बेस वर्ड है अन और एबल ये दोनों आ, प्रीफेक्स और सफिक्स है तो ये जो है बच्चे जो है ये आम तौर पर चूँकि ये मुश्किल एक्टिविटी है और वो आ, बच्चे की इब्तदाई सालों में वो नहीं सीखते बल्कि बाद वाले सा, सालों में सीखते हैं द मेन डेवेलपमेंट अकर्स इन द एडिशन ऑफ इन्फ्लैक्शनल प्रीफिक्स जैसे अन डिस नॉन इर एंड डेरीवेशनल सफिक्स तो अख़त शुदा जो हो लाके हैं तो वो उनकी वजह से इसमें ये वो डिवेल्प करते हैं द डिवलपमेंट ऑफ़ इन्फ्लैक्शन प्रिफिक्स इज़ वेरी ग्रेजुअल ये बहुत चूंकि एक मुश्किल कॉन्सेप्ट होते हैं और ग्रेजुअली बच्चों में ये डिवेल्प होता है और प्रोटेक्टेड कंटिन्यू इन टू एडल्टड और ये फिर बलुगत में भी ये सिलसिला जारी रहता है और इसके लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है प्रैक्टिस की ज़रूरत है जब उनकी लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बच्चों में डिवेल्प होती है उस वक्त ये डिवेल्प होते हैं सो आई फॉर वन नो दैट द इनफ्लेमेबल रिटर्न ऑन अ ट्रक मीन्स कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रक इनफ्लेमेबल सो है, so, uh, है इससे कन्फ्यूजन हो सकती है लेकिन इससे मीनिंग ये कि जो uh, पढ़ने वाला है उसको ये अंडरस्टैंड करे और वो कन्फ्यूज uh, ना हो कि वो इनफ्लेमेबल यानी जो ट्रक में इनफ्लेमेबल मटेरियल जा रहा है वो उससे वो डिस्टेंस रखे सो कंपेयर दीज टू अप्रोप्रीट एंड इनप्रोप्रिएट तो इस सफिक्स के सीखने से हम इनप्रिएट और अप्रोप्रिएट लैंग्वेज को हम सीखते हैं सो डेरिवेशनल सफिक्स जो हैं वो क्या है दोज़ दैट चेंज वर्ड क्लासेस वो वर्ड क्लासेस को चेंज कर देते हैं और मच लार्जर सेट ऑफ वर्ड्स पार्ट्स तो ये बड़े बड़े पार्ट्स हैं वर्ड्स के और इनकी वजह से वर्ड्स की क्लासेस में तब, वाज तब्दीलियां आती हैं यानी वर्ब से नाउन बन जाता है नाउन से एडजेक्टिव बन जाता है इस तरह करके सो एंड आर यूजली यूज़ टू चेंज पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बेस वर्ड तो बेस वर्ड जो होते हैं उन उनमें ये तब्दीली ले आते हैं डेरीवेशनल सफिक्स आर फर्स्ट लर्नड और पहले ये ज़ुबानी तौर पर सीखे जाते हैं ऑल द रीडिंग स्ट्रेंथ लर्निंग तो ये रीडिंग जो है वो इसकी लर्निंग को स्ट्रॉग करती है सो डिफ़िकल्टी इन लर्निंग इज़ रिलेटेड टू मार्फोफोनीमिक प्रोसेस एंड दटिक डिस्टिंगशंस तो जो अल्फाज साजी है और uh, आवाज़ों को समझना है और अल्फाज की साख को समझना है और जो वर्ड्स मीनिंग को समझना है इनके डिस्टिंक्शन में इसका बड़ा अहम रोल है और मिसाल के तौर तो पर ई आर सफिक्स है यूज एंड इज इनिशियली एक्वायर्ड बाय टू मार्क इनिशिएटर ऑफ सम एक्शन सच पेंटर फॉर अ पर्सन हु पेंट्स तो यानी पेंटर को हम यूज कर रहे हैं उसके लिए उस शख्स के लिए जो पेंट करता है ऑल दो दिस सफिक्स मे अपीयर लेट प्री स्कूल विद सम स्पेसिफिक वर्ड्स तो मैंने बताया कि ये इब्तदाई सालों में नहीं आते स्कूल के बल्कि लेट ईयर्स में ये बच्चों में डिवेल्प होते हैं चिल्ड्रेन आर नॉट एबल टू यूज इट जनरेटिवली टू क्रिएट वर्ड्स अंटिल एज ऑफ एट यानी आठ साल की उम्र से पहले बच्चे इसको इस्तेमाल करना उनके लिए मुश्किल है और सेकेंड ई आर यूज टू मार्क द इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्म्प्लिशिंग सम एक्शन इज रिक्वायर्ड इवन लेटर अराउंड इलेवन एज यानी बाज हालतों में ये ग्यारह साल की एज तक ये बच्चे सीखते हैं मिसाल के तौर पर क्लिनिंग दावर विद अ क्लीनर अगेन अर्ली लर्निंग इज ऑन अ वर्ल्ड बाई वर्ल्ड बेसिस चूंकि इब्तदा में ये वर्ड बाई वर्ड बच्चे सीखते हैं लेकिन फिर भी तो लेट डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल आर ई आर एक्सप्लेनड बाई द चाइल्ड यूज ऑफ अदर मोर कॉमन वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ब आर फॉम वर्ब ई आर फॉम जैसे अप्रोप्रिएट स्टोव फार कुकर एंड शॉल फार डिगर तो uh, यही अल्फाज का बेटर यूज़ uh, जो है वो फिर uh, इनके इस्तेमाल की वजह से आता है अदर वर्ड्स है नॉन ई इक्वलेंट

और द मोर एडजेक्टिव मोर बिग फॉर्म ऑफ द कंपेरिटिव यूजिंग ईच इक्रमिनेटली तो यानी उसको uh, फर्क ना करते हुए इनडिसक्रमिनेशन के साथ तो फाइनली बाई एडल्टड इंग्लिश स्पीकर फॉलो मोर रूल्ड बेस यूज अब इस यानी वो ज़्यादा रूल बेड जो वर्ड्स uh, हैं वो स्पीकर इंग्लिश स्पीकर इस्तेमाल करते हैं अब इनकी मिसालें हम नेक्स्ट uh, इसको देख सकते हैं ये एक मार्फॉलोजिक डेवलपमेंट का ये एग्जाम्पल्स हैं मार्फोलोजी की कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव 59 मंथ्स की एज में ही माइड थिंक ऑफ़ समथिंग फ्यूनर और 62 मंथ्स की एज में दिस इज़ अ बिगेस्ट वन हेयर और 73 थ्री मंथ्स की एज में आई डोंट लाइक स्कूल कॉज इट इज़ मोर फन एट होम तो ये इस तरह मतलब हम मॉर्फोलॉजी uh, की एग्ज़ाम्पल्स यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिहाज से हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं